गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त पूरी तरीके से पार्टियां तैयार हो चुकी हैं और पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। दो चरणों में होने वाले मतदान से पहले एनएमएफ न्यूज की टीम भी गुजरात दौरे पर पहुंच चुकी है और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर जनता की नब्ज टटोलने का प्रयास कर रही है। गुजरात के रण की हर एक रणनीति 182 विधानसभा सीटों की सटीक कवरेज। बीजेपी कांग्रेस आपके जंग की कहानी। पीएम मोदी के गढ़ से एनएमएफ न्यूज की जुबानी। गुजरात का साहिब कौन? ऐसे में हम गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा विधानसभा पहुंचे, जहां पर हमने जनता से उनकी राय जानी। अब ऐसे में गोधरा की जनता की राय सुनाने से पहले आपको इस विधानसभा सीट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। बता दें कि गोधरा विधानसभा सीट गुजरात की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार गोधरा विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। गौरतलब है कि गोधरा विधानसभा सीट गुजरात के पंचमहल जिले में आता है। 2017 में गोधरा में कुल 42% वोट पड़े। 2017 में बीजेपी के सीके रोलजी ने कांग्रेस के परमार राजेंद्र सिंह को हराया था। इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है और हिंदू मुस्लिम के इलाके भी बटे हुए हैं। ऐसे में हमने गोधरा की जनता से जब बातचीत की तो उन्हें पीएम मोदी के अलावा किसी का नाम नहीं समझ आया। हालांकि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजेश पटेल राजू के बारे में जब हमने जानना चाहा तो लोगों ने कहा कि उन्हें कोई पहचानता ही नहीं। सवाल ही नहीं है, केजरीवाल में तो इधर 500 वोट निकल जाए तो नसीबदार है। कौन राजेश पटेल है वो कोई गोधरा की पब्लिक तो पहचानती नहीं है कि कौन है ये। केजरीवाल का उम्मीदवार कौन है? राजेश पटेल है, हम जानते हैं। कौन है मैं खुद जानता हूँ, लेकिन कोई भी गोधरा वाला बता दे कि ये राजेश पटेल ये केजरीवाल का उम्मीदवार है, इसको पहचान सके तो ये धंधा छोड़ के चले जाओ। अच्छा जी। हाँ जी, तो कौन जानते नहीं लोग, हाँ तो क्या जिताएंगे। हाँ, वो गांबी एरिया का है, लोकल छोटा सा गांव का है, मैं तो पहचानता हूँ कौन है, लेकिन कोई भी नहीं पहचानेगा। ये शायद इसको तो डिपॉजिट डूल है, इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। इसके अलावा बीजेपी को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा और उम्मीदवार सीके रोलजी को लेकर लोगों ने पॉजिटिव जवाब दिया। इसके अलावा मुस्लिमों ने भी अपनी राय बखूबी रखी। सुनिए गोधरा के लोगों से एनएमएफ न्यूज की बातचीत। यहाँ पे माहौल तो हिंदूवादी भी चल रहा है और विकास भी चल रहा है। हिंदूवादी की अगर बात करें, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हिंदूवादी है तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए। और यहाँ पे जो जाके धारा साहब भी है सीके राहुल जी, वो बहुत पुराने हैं, 25 साल से यहाँ पे जो धारा साहब से छुटा के आ रहे हैं, उनका काम भी अच्छा है और उसका नेतृत्व भी अच्छा है और सब जगह उनकी वाहवाह है। और मोदी जी का साथ, सबका साथ सबका विकास, इसकी वजह से बीजेपी आनी चाहिए और बीजेपी ही आएगी। तो रोजगार वगैरह सब सही चल रहा है, विकास दिखता है यहाँ पर? हाँ, विकास दिखता है। तो केजरीवाल का क्या स्कोप है जो दिल्ली से आ रहे हैं? केजरीवाल का स्कोप है वो बहुत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारा नाम मूलचंद भाई है। अच्छा, कब से दुकान कर रहे हैं आप? ये तो हमारे 60 लगभग 70 साल से है दुकान। अच्छा। बहुत जूनी है, बहुत पुरानी है। तो बहुत पुराने आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो मिजाज पता ही होगा कि चुनाव आने वाले हैं, तो क्या माहौल लग रहा है? चुनाव माहौल में तो अभी यहाँ पे तो हमारा बीजेपी का चल रहा है माहौल, क्या उसको ही मिलेगा वोट, बाकी तो दूसरा किसी को तो देने वाले है ही नहीं, बीजेपी है हमारे यहाँ। गोधरा काफी संवेदनशील माना जाता है और ऐसे में बीजेपी का ही फेवर है? हाँ, हमारे सी के राहुल जी जो खड़े हैं कैंडिडेट, उसी को ही वोट देने का है और मोदी साहब के नाम पे पड़ता है वोट यहाँ पे हमारे ज्यादातर मोदी साहब। तो इतना अच्छा काम है कि राहुल गांधी या केजरीवाल को मौका नहीं देंगे? नहीं नहीं नहीं, केजरीवाल का तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलेगा। राहुल जी तो अब कांग्रेस तो सपा चट हो गया है, माहौल ही नहीं है उसका तो यहाँ पे, कुछ भी नहीं है क्या। केजरीवाल तो फ्री में भी ऐलान कर रहे हैं? अरे वो तो सब फ्री में ऐलान करते हैं, थोड़ी देते थोड़ी है, वो तो सब बातें बना रहे हैं लोगों को,
यहाँ हमारे मेरे को लगता है हमारे यहाँ 182 सीटें हैं, कितनी 182, उसमें से मेरे ख्याल से ज़्यादा 5 सीटें आएगी उनकी, ज़्यादा नहीं आएगी केजरीवाल साहब की, 5 सीटें ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। 5 सीटें आ गई, बड़ी बात है। हाँ वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ वो भी कैसे आएगी, वो जो कैंडिडेट खड़ा रहेगा ना उसके नाम पर उसको वोट मिलेगा, केजरीवाल के नाम से वोट नहीं मिलेगा। हाँ मैं जो प्राथमिक सुविधाएं चाहिए वैसा नेता हमें चाहिए, हमारा पॉलिटिकल इश्यू बनाकर हमारा इस्तेमाल करने वाला हमें कतई नहीं चाहिए, हमें हमारा बेस होना चाहिए, हमें शिक्षण के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए और हमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बेरोज़गार भी बहुत है, शिक्षित बेरोज़गार है तो उसके अंदर भी हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए और हमें दूसरे लाइन से भी हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, हमें आज़ादी नहीं मिल रही है, हम ऑफिसेस में जाते हैं सरकारी बाबू हमारे साथ जो झिटकारी वलन इख्तियार करते हैं तो इसके लिए भी हमें प्रॉब्लम हो रहा है और हम कचेरियों में दूसरी कचेरियों में जाते हमारा काम नहीं होता है, पैसे देने के बावजूद भी हमारा काम नहीं होता है। क्यों लगता है क्यों नहीं होता, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों इसलिए? जी वैसा मेरे को थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है कि हमारा काम इसीलिए नहीं हो रहा है, करप्शन बहुत है, भ्रष्टाचार है, तो हमें भ्रष्टाचार वाली सरकार भी नहीं चाहिए और मतलब कि गरीब की सुनने वाला इंसान हमें चाहिए, तो हम ऐसा ढूंढेंगे इस बार। और हमारे उलमा इकराम, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमें मशवरा दे रहे हैं लेकिन हम उनकी बात सुनते नहीं हैं, इसीलिए हम भटक रहे हैं, लेकिन इस बार हमें लग रहा है कि हम एकजुट होकर, हम इस्लाम को सामने रखकर और हिंदुस्तान को साथ रखते हुए ऐसा नतीजा देंगे तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ के बदलाव शुरू होगा यहाँ से, हम यही चाहते हैं। मोदी सरकार तो कहती है कि वो सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों को भी साथ में लेके चल रहे हैं, विकास हो रहा है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। कोई डाउट नहीं है इस बात पे, कोई डाउट नहीं है, लेकिन मौका मिलता ही कहीं कहीं हमें यूज़ कर दिया जाता है, हमारे मत को यूज़ किया जाता है, तो हम उनसे एक मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहते हैं कि ऐसा इस्तेमाल नहीं करें। नाम है आपका? असलम भाई, मोहम्मद असलम भाई, मैं यहाँ की गोधरा का रहने वाला हूँ। ये लोग जो मोदी है ना वो अच्छा काम कर रहा है, वो देश को देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, पर जो उनके जो चाहते लोग को है ना वो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। जहाँ भी वो देखो, जब वोटिंग का टाइम आएगा ना तो हिंदू मुस्लिम करेगा, मोदी का बयान ऐसा नहीं होता, वो विकास के लिए घूम रहा है, वो विकास कर रहा है, पर जो उनके चमचे हैं ना वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और दूसरा जो आदमी है वो आम आदमी पार्टी है, वो थोड़ा बहुत काम दिखा रहा है, जो दिख रहा है वो हम देख रहे हैं कि भाई ये काम हो रहा है। अभी एजुकेशन यहाँ पे गोधरा के अंदर अभी माशाल्लाह हो रहा है, एजुकेशन है, जो बेरोज़गारी है अभी अच्छा गुजरात में चल रहा है कि लोग बेरोज़गारी से निकल रहे हैं, पर जो उनके जो यहाँ पे बिठाते हैं ना वो लोग खा रहे हैं सबसे ज़्यादा, बीच के लोग खा रहे हैं। तो आपको महसूस होता है कि विकास हुआ है? भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, मोदी के हद में हो रहा है, उसके अलावा नहीं हो रहा है।